प्रसाद ठाकुर जी चरण दबा रहे थे। बाबा लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। उसी समय पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज कुटिया के बाहर से घर के दरवाजे पर खड़े हो गए और घनश्यामदास ठाकुर जी से कहने लगे, क्या मैं भीतर आ जाऊं? तो ऐसी प्रार्थना करे तो ठाकुर जी ने कहा कि आप गुरुजी ने गुरु जी को कैसे मना कर सकते हैं। पर उस समय ये जो पद है ना, ये पद लिखा गया वाटिका में, उस समय ये पद लिखा गया कि राधे के निकुंज धाम में ठाकुर राधा रानी सो रही है, अर्थात राधा बाबा सो रहे, ललिता जी चरण दबा रही है मुझे घनश्याम दास और बाहर से श्याम सुंदर ललचा रहे हैं कि काश मैं भी भीतर आती हूँ। पलोटत ललिता I'm not afraid of the dark.
जय मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है आज, आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ मिलता है। आज हमारे दादा कुछ कहेंगे, आज हम सब लोग लाभ लेंगे। हरि बोल। हरी बोल। प्रभु जी, एक कथा याद आ रही है, बहुत दिन पहले सुनी थी, तो वही मैं आपको सुनाऊंगा। बाकी तो अंगद जी रोज कथा सुनाते हैं, कुछ जीवन में उतर पाए वो कथा तो ही लाभ है, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम कान बंद करके यहाँ आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त, हर कोई भक्त कहने लग गया है। भक्त की परिभाषा क्या है वो अगर हम पहले सीख लें तो पता चलेगा हम भक्त हैं। मुझे लगता भी तो हमें साधक ही कहना चाहिए अपने आप को, क्योंकि जो अभी हमारे आचरण है वो साधकों वाले हैं। जब मन करता है मंदिर आते हैं, जब मन करता नहीं आते हैं, जब मन करता है एकादशी रखते हैं, जब मन करता तोड़ देते हैं। यहाँ पर सब ऐसा नहीं करते, पर जो भी करते हैं, या मैं हूँ या कोई भी, उनके लिए ठीक है ना। तो प्रभु जी, एक भक्त की, बड़े सरल भक्त हैं, सीधे साधे, उनका एक चरित्र है वो मैं आपको सुनाता हूँ। कंदू जी नाम के एक भक्त हुए थे राजस्थान में, बड़े ही राम जी के बड़े ही परम भक्त। उनके दो तीन भाई थे, वो राणा जी के यहाँ बहुत ऊँचे पद पर सेवा देते थे, और वो जो थे वो सीधे साधे थे। उन दोनों भाइयों, उनके जो बड़े भाई थे उनकी शादी हो गई थी, बच्चे पूरा परिवार सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जो कंदू जी थे वो उन्होंने विवाह नहीं किया था, या उनके सीधेपन से विवाह हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी देखते हैं भाई हमारा अगर दामाद है अच्छा कमाता हो, सीधे साधे निठल्ले से कोई भी शादी नहीं करना चाहता। भक्त है, मैं किसी को बोल दूं भाई ये गोपाल हमारे भक्त हैं, पढ़ते कुछ नहीं है, तो कोई मुझे बोलेगा ही नहीं कि मेरी बेटी की शादी गोपाल से करा दो, चाहे कितने बड़े हो। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंदर एक संसार बैठा रहता है, हम संसारिक सोच वाले व्यक्ति हैं। हम इन देखते बहुत अच्छे भक्त हैं, हमें पता हमारी बेटी का पोषण कैसे करेगा, खाना वाना कैसे खिलाएगा, कल उन्हें वस्त्र चाहिए, कल उन्हें गुजरात जाना है द्वारका दीजिए के दर्शन के लिए, तो 7-8 हज़ार रुपये ट्रेन में ही लग जाएंगे। तो ऐसी वो बड़े सरल थे, उनका विवाह भी नहीं हुआ। तो जो उनके भाई थे उन्हें बोलते थे कि भाई मैं तेरे को ऐसे जॉब पे लगा दूंगा कि बस तू जाकर ही हाजिरी लगा के, जैसे होता है ना बड़े बड़े ऑफिसर पहले चलता था सपा की पार्टी में, कि बस स्कूल में हाजिरी प्रिंसिपल लगा दे टीचर की, 4 बजे टीचर अपने चले जाते अलीगढ़ मेरठ, बच्चे ऐसे बैठे रहते थे। तो क्या था, जो कंदू जी थे पर वो ऐसे नहीं थे, उन्होंने बोला जब मैं काम करूंगा नहीं तो मैं सैलरी के लूं, तो उन्होंने अपने भाइयों को मना कर दिया। उनके भाई बहुत विरोध हुआ कि यार तू क्या भजन करता है ना, तू को काम करता खाता रहता है, बल्कि वो बेचारे भक्त वैष्णव होने के बाद एक टाइम खाते थे 24 घंटे में, और वो अपने भाइयों को बोलते थे भाई आप 4-5 भाई और मैं अकेला एक टाइम खाता हूँ क्या होगा, घर में हर चीज़ है, कोई कमी तो है नहीं, कमी हो तो मैं जॉब भी कर लूँ, पर मुझे तो कोई कमी लगती नहीं। तो इसमें मारे मल्लुकपिट वाले महाराज जी कह रहे थे, देखो महाराज जी हम भी जो जॉब नहीं करते, पर एक क्या होता घर में 10 भाई हैं, 9 जॉब कर रहे हैं ना, एक भाई को ताने मारते रहेंगे 9 भाई, अगर सबकी 10-10 लाख रुपये भी सैलरी है। वो कह रहे हम संत हैं, यहाँ डेली 1,000 लोग प्रसाद पा रहे हैं, पर हम किसी को नहीं बोलते जॉब कर लो, फ्री में खा रहे हैं तीनों टाइम। और ये तो छोड़ो गौ माता कितनी हजारों, अब पतमेड़ा वाले महाराज जी का अगर हम एस्टिमेट लेने लगे तो एक दिन में 2 करोड़ का चारा खिला रहे हैं। वो खिला पाया कोई अमीर आदमी? कभी नहीं खिला सकता। उसके मन में रहेगा ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, छोटा भाई क्यों नहीं कर रहा। तो हम ऐसे संसारिक साधक होते हैं, तो कोई बात नहीं। तो उनके भाई रोज उन्हें ताना मारते थे, एक दिन उनके मन में आता है, उन्हें बड़े दुखी हो जाते हैं, चलो मैं अब घर छोड़ के जंगल में चले जाता हूँ, जिन भगवान के लिए मैंने सब कुछ भजन कर रहा हूँ वो मुझे अपना आप खाने को देंगे, या आपका वहम है कि आप मुझे खाने को दे रहे हो।
उनके भाई भी मजे मजे में कहते हैं हाँ जाओ चले जाओ, वो सोचते हैं 3-4 दिन बाद लौट के आ जाएगा, पर वो थे ऐसे नहीं थे, उनके भक्ति एकदम परम सीमा पे थी, उन्होंने तो उन्हें नॉर्मल लिया होगा कि हाँ भाई आ जाएगा 3-4 दिन में। तो क्या होता है उनके भाई जब वो जा रहे होते हैं उनसे बोलते हैं कि भाई अगर तुम जा तो रहे हो ठीक है खाना पीना मिल जाएगा, पर तुम मर जाओगे तुम्हारी गति कैसे होगी, जब तुम्हारा क्रियाकर्म ही नहीं होगा तो तुम्हारी भक्ति वो माला तुम्हारा क्रियाकर्म तुम्हारी गति नहीं होगी। तो वो कहते हैं जिनके लिए मैंने सब कुछ किया है ना वो मेरी सब करेंगे। अभी तुम्हें लग रहा तुम्हारा बेटा तुम्हारा क्रियाकर्म करेगा क्या, अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारा बेटा मर जाए तो कौन करेगा। तो सबके मन में वो सबको ये उत्तर देते हैं। वो सबको ये उत्तर देते हैं तो चले जाते हैं वो। तो क्या होता है जंगल में जाते हैं खूब भजन करते हैं, खूब भजन कर खाने पीने की सोचते नहीं, कोई आता है इधर उधर राही तो उन्हें थोड़ा बहुत खाने को दे देता है, जल दे देता है। करते करते जब वो बुढ़ापा आता है एक दिन तो उनका जीवन शांत हो जाता है, उनका शरीर शांत हो जाता है। तो राम जी अपने साकेत धाम में होते हैं, हनुमान जी चरण दबा रहे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि राम जी को कि रघुनाथ जी आज आपकी जो आप आज आपके आंखों से आज आंसू निकल रहे हैं, ऐसा क्या दुख है आपको। तो राम जी उन्हें बोलते हैं कि एक मेरा भक्त है, वैसे तो उसकी सदगति हो गई है मेरे धाम आ गया है, पर उसका एक वचन था उसे मुझे पूरा करना है। कहते क्या वचन था, तो कहते उसने अंतिम समय अपने भाइयों को बोला था कि मेरे क्रियाकर्म मेरे राम जी करेंगे, उसका शरीर ऐसे पड़ा हुआ है तो मुझे उसी क्रियाकर्म करना है। तो हनुमान जी कहते हैं महाराज रघुनाथ जी को कि राम जी आपने तो जटायु का क्रियाकर्म सब कुछ किया था, ये सौभाग्य आप मुझे दीजिए, मैं करूँगा उस भक्त का क्रियाकर्म। तो ठाकुर जी राम जी कहते हैं चलो आप करो। अब हनुमान जी भाई हनुमान जी क्या लगता है 1 सेकंड में 7 समुंदर का जल, जितना भी आसपास ही गंगा जितनी भी नदियाँ पवित्र होती हैं उन सबका जल, तुलसी जल चंदन सब लेके उसके पास पहुँच जाते हैं। पहले स्नान कराते हैं, हमारे क्रियाकर्म में होता ही सबसे पहले स्नान कराया जाता है, जब आदमी की शरीर शांत हो जाता है फिर उसे क्रियाकर्म होता है। तो सब कुछ कराते हैं हनुमान जी। तो प्रभु जी क्या होता है जब उनकी चिता वगैरह जल जाती है, जो उसका धुआं होता है ना, उस जंगल में जितने भूत पिशाच रह रहे होते हैं उन सबकी भी गति हो जाती है, ऐसे भक्त वो। अब क्या होता है 1 साल बाद एक भूत होता है, पर ये आत्मा वो कहीं गया होता घूमने, वो 1 साल बाद आता उस जंगल में देखता है उसके रिश्तेदार नहीं मिल रहे होते उसे, तो वो कहता है यार मेरे रिश्तेदार नहीं मिले क्या हो गया सबको, पूरा जंगल एकदम शांत है साफ है एकदम, कोई यहाँ पर चीख चाक की आवाज नहीं आ रही। तो वहां पर एक साधु ना भजन कर रहे होते हैं, तो वो उस प्रेत आत्मा से बात करते हैं कि यहाँ पर एक भक्त हुए थे उनका ऐसे ऐसे उनकी सदगति उनके हनुमान जी ने आके उनके सब क्रियाकर्म करा। तो बड़ा पछताता क्या था यार मैं होता तो मेरे भी, क्योंकि जो कह बलुपट महाराज जी कह रहे थे कि जो वो होता है ना भूत होते हैं उनकी 1000 आयु होती है वर्ष की, जैसे हमारे मनुष्य की 50-60-100 होती है, 1000 वर्ष तक वो जीते हैं भूत, फिर जाके उनकी दूसरी गति होती है। तो वो बड़ा दुखी होता है पिशाच, पर क्या होता है वो जो भक्त होते हैं जहाँ पर वो बैठे होते हैं ना वो कहते हैं आप चिंता मत करो, यहाँ पर जहाँ पर उनकी दया अभी यहाँ पर हमने चिता जलाई थी वहाँ मैं दोबारा वहीं पर मैं भजन कर रहा हूँ। तो उनके अंदर से प्रेरणा होती है, हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि आप जब यहाँ पर दोबारा धोना लगाओगे ना इसकी भी गति हो जाएगी, जो पिशाच बोल रहा होता है भूत बोल रहा होता है। तो वो दोबारा से जैसे ही वो करते हैं धुआं लगाते हैं पूजा करने के लिए जो भी अपना यज्ञ करने के लिए, तो उस भक्त की भी गति हो जाती है प्रभु जी। तो ये महात्म है संतों का, भगवान का और हमारी भक्ति का। मुझे लगता है कई बार हम इतने ज़्यादा अभी जो हमारी स्थिति स्टार्टिंग में तो हम बड़े जिज्ञासु होते हैं भक्ति होते हैं माला कर रहे होते हैं भैया बताते हैं ना, बाद में बड़े स्थिर हो जाते हैं शांत हो जाते हैं, 7:30-9 बजे चलेंगे मैं भी 9 बजे ही आता हूँ प्रभु जी मैं ही सबसे बड़ा तो यहाँ पर मुझे ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो यही होता है हमारे अंदर एक अहंकार रहता है, मैं बलराम जी हूँ मैं जब मर्जी आऊँगा है, मैं रघुनाथ जी हूँ मैं 7:30 बजे आ जाऊँगा, मैं अंगद जी हूँ मैं सत्संग सुनाऊँगा, छोटा छोटा अहंकार हम सब इनके अंदर नहीं है प्रभु जी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरे अंदर ये सब बातें मेरे अंदर है। तो हमारे अंदर अहंकार रहता है, अगर कोई भक्त हमें सेवा के लिए बोले, मैं वैसे बता रहा हूँ भक्त कौन, भक्त वो जो सेक्रीफाइस करे, भक्त वो जो सेवा में हमेशा तैयार रहे, भक्त वो जो अंडरस्टैंडिंग हो, अगर हम ये नहीं है तो हम भक्त नहीं है। मेरे को एक भक्त ने आज फ़ोन किया प्रभु जी मेरी सेवा, वो बच्चा जब भी मैं बोलता हूँ वो सेवा देता है, आज उसने 10 जनों को फ़ोन कर दिया कि प्रभु जी मैं बाहर हूँ आप मेरी सेवा दे दो, मैं आपकी सेवा मैं दे दूँगा अगर परसों की तो मैं कल नहीं आ पाऊँगा, तो भी वो 10 जनों को फ़ोन कर रहा है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्या इतना भी सेक्रीफाइस नहीं। जिम करने वाला व्यक्ति बाद में भी जा सकते हैं जो जिम जाते हैं या जो ऑफिस जाते हैं, उनने बोला कि मैंने उन्हें बोला कि आप 8:30 बजे चले आना प्रभु जी आप सिर्फ 1 घंटे के लिए आ जाओ, दूसरे जो भक्तों ने सपोर्ट मिल जाएगी आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर देना वो श्री जी करके आरती भी कर लेंगे,
तब भी अगर उन्हें बात समझ में नहीं आ रही तो हम भक्त किस बात के। अगर हम 10 घंटे सोते हैं तो हम 10 घंटे ही सोएंगे। अगर हम गाड़ी में आगे बैठते हैं तो हम आगे ही बैठेंगे, पीछे नहीं बैठता। मैं पीछे नहीं बैठता बलराम जी, मैं पीछे नहीं बैठता, मुझे दिक्कत होती है। अरे आप यंग बच्चे हो, आपको दिक्कत हो रही, बस में जाने में दिक्कत, आपको ट्रेन में जाने में दिक्कत। ये बहुत बातें समझने की है मुझे लगता है, सभी बातें इसलिए मैं बोल रहा हूँ गुरु जी, क्योंकि जिन संतों के हम मार्गदर्शन पर चल रहे हैं उन्होंने जीवन जी के दिखाया। हमारे सेठ जी, उन्होंने क्या नहीं किया, इतने सच्चे, जो एक एक चीज युधिष्ठिर महाराज की तरह उनका जीवन था, कभी झूठ नहीं बोला जीवन में। क्यों? इतना अपना सारा धन लगा दिया, खरबोर पे उस समय लगा के गीता मन बनाया, खरबोर पे लगा के उन्होंने उस समय गीता मन बनाया। किस लिए? एक रुपया वो संस्था हमसे नहीं लेती है, खाना पीना रहना। अगर बिजली का बिल मानूं तो 10 लाख रुपए बिजली का बिल भी लाता महीने का। क्यों? उनका संकल्प था कि जो लोग यहाँ पर आए वो भजन करें, यहाँ उन्हें शांति मिले। अगर ऐसा ही हम लोग भी सोचें, एक एक भक्त ऐसा सोचे कि हम प्रचार करें, सबको दूसरे को जोड़ें, और मैं इतना सिंसियर बनूं कि मुझे लेके लोगों के अंदर प्रेरणा आए कि यार मुझे भजन करना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ढोंग का जीवन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, या तो आपसे भक्ति छूट जाएगी या फिर पीछे रह जाओगे प्रभु जी, तो कई जन्मों के चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे। सेठ जी की मैंने एक दो चीज़ें पढ़ी, मैंने सेठ जी का देखा, सेठ जी ने अपने वो पुस्तक स्टॉल का ना कुंभ में वो लगाया था काउंटर, और वो जल गया था, तो सेठ जी ने इंश्योरेंस करा रखी थी। अब मैं इंश्योरेंस वाला हूँ तो मैंने बात पढ़ ली तो प्रभु जी उन्होंने स्टॉल लगा रखा था, इंश्योरेंस करा रखी थी, उसमें आग लग जाती है और सारी पुस्तकें जल जाती है। अब उसके क्लेम के लिए वो सेठ जी डालते हैं क्लेम के लिए, तो उन्हें सारा पैसा मिल जाता है। पर सेठ जी कितने ईमानदार थे, उन्होंने वो पुस्तकों के पैसे नहीं लिए जो पुस्तक बिक चुकी थी, क्योंकि वो तो सेठ जी को पता था ना कि पुस्तकें तो सेल हो चुकी हैं, और रिकॉर्ड में उन्होंने सब दिखा दी थी उनके जो चेले थे जो सेवा में थे। सेठ जी ने वो सारा पैसा गवर्नमेंट को वापसी कर दिया कि जो बिक गई थी वो नहीं लूँगा, जो जली है मैं उनका लूँगा। तो छोटी छोटी बातें हमारे, हम पूज्य भाई जी की बातें करते हैं, जब मैं देखता हूँ, जब मेरे अंदर भी मुझे कोई कमी लगती है ना प्रभु जी, तो मैं राधा बाबा के बात सुनता हूँ। जब मुझे लगता है मुझे आलस आ रहा है या मुझे नींद आ रही है कोई सेवा है, तो मैं राधा बाबा की एक बात सुनता हूँ। जब राधा बाबा के जो नियम थे, जब हमसे माला ना हो, क्योंकि हम अपने संतों के चरित्र पढ़ते हैं तो उनकी बातों को सुन के उन्हें अपने जीवन में उतारे। राधा बाबा की बात मुझे वो याद आती है, जब उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी ना प्रभु जी, तो जब सोच के ले जाते थे, फिर स्नान करते रहे, फिर पट्टी खोलते रहे, फिर दोबारा स्नान करके दोबारा पट्टी बांधते थे। एक बार आगे आगे आ जाओ सब लोग। तो उस बात से ना मेरे जीवन में मुझे बहुत बल मिलता है। जब मुझे आलस आ रहा होता है, मैं सोचता हूँ कि यार अभी नहीं उठना, थोड़ी देर बाद उठूंगा, तो उससे मुझे बहुत बल मिलता है मेरे जीवन में। तो ऐसी बातें मैं चाहता हूँ कि हम लोग जब सत्संग सुनते हैं, उन बातों को जानने के बाद आत्मचिंतन हमें करना चाहिए कि हमने आज अंगद जी ने हमें क्या सुनाया, हमारे पूज्य भैया जी ने क्या सुनाया, भव्य भैया ने, सबके सब चीज़ों सब बातों को हमें सुन के उन्हें अपने जीवन में उतारे। ये ना हो सुनने के बाद, बहुत अच्छी बात है आप लोग आ रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ, हम सब लोग आ रहे हैं, पर आने के बाद अगर हमारे जीवन में कोई चेंजेस ही नहीं आया तो फिर फायदा क्या? फिर हम वो चक्करों में पड़ गए, 84 लाख योनि के चक्कर में हम आ रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्या पता उस अगले जन्म में भैया जी ना मिले हमें, और अच्छे भक्त ना मिले, संत ना मिले। कलयुग का प्रभाव आप जानते कितना ज़्यादा है, हर व्यक्ति आज फ़ोन से परेशान है। मैं खुद फ़ोन चलाता हूँ, मैं आकर ये नहीं कि बलराम जी फ़ोन नहीं चलाते और बोल रहे हैं माइक में, सारी बातें फेस आपकी तरफ है, मैं सुना अपने आप को रहा हूँ। सोच लो आप मेरे सामने मेरा आईना हो, तो अपने मैं अपने आप को ये बातें सुना रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करना चाहिए भक्तों को। मैं महादेव जी को देखता हूँ, राधा चंद्र को देखता हूँ, हम क्या होता है हमारे मंदिर में जब भी प्रसाद हम, बहुत भक्त सेवा देते हैं, पर कई लोगों से मेरे को थोड़ा सा रहता है, हमारे बड़े हैं उनका ही, उनको भी मुझे लगता है कि बाल्टी उठा के प्रसाद की सेवा देनी चाहिए। वो नहीं कर सकते कुछ और करें, पानी कुछ नहीं, कुछ ना कुछ खड़े रहें अगर कुछ भी ना करें, क्योंकि हम सबकी यूनिटी से जो बल मिलेगा ना वो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं प्रभु जी। वो घुमा फिरा के बर्तन मांजने के बाद मैंने महादेव जी को तो जॉब पे रखा नहीं है कि हर बर्तन के लिए 500 रुपये देता हूँ मैं। कभी भी भंडारा इतने सालों में रहा, लास्ट तक बर्तन मांजते हैं महादेव जी। कुश प्रभु हैं हमारे, कृष्ण प्रिय हैं, गोपाल प्रभु हैं हमारे, पतले वाले मोटे वाले नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना होगा प्रभु जी। हाँ, पर गोपाल प्रभु मेरे कहने पे बहुत काम करते हैं, क्या शरीर ने इन्होंने बचपन से काम नहीं किया, पर हम लोग बोलते हैं तो बेचारे लगे रहते हैं, ये मैनेजमेंट कर लेते तो उन्हें मैनेजमेंट की सेवा देते हैं, भाई भी इनको अटेंड कर लो इनको। तो सभी लोग सेवा दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे वो इन बातों पर विचार करें जो मैंने बात बोली है प्रभु जी। और ये मेरी बात नहीं है, मैंने भी आज पढ़ी है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, उपदेश संत देते हैं। संत कौन होते हैं? जिनके अंदर एक भी अवगुण ना हो, सद्गुणी सद्गुण भरे होते हैं वो होते हैं संत।
क्यों? इसलिए मुझे लगता है कि हमें सारी बातों विचार करना चाहिए। तो आज का मैं पुरानी बात, भक्तवत्सल भगवान की। देखो भैया, संत का विचार आज हो गया है, संत विचार हमने भी सुन लिया, अब एक संत का चरित्र सुन लेते हैं। एक भक्त हुए, राधा कुंड पर भजन करते थे, जिनका नाम था सुबल दास जी महाराज। बंगाल के रहने वाले थे, गोविंदपुर गांव के पास वणिक वंश में श्री सुबल दास जी उत्पन्न हुए थे। बालक ही थे, ज्यादा बड़े हुए नहीं थे अभी, तो इनके पिता का देहांत हो गया। शुरू से ही भजन के संस्कार थे, माताजी इनकी इन्हें सिखाती थी कि भैया भजन करना चाहिए। तो धीरे 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 ये भजन करते करते 17 साल के हुए। जब 17 साल के हुए तो इनकी माताजी का देहांत हो गया। अब माताजी का जब देहांत हुआ, अक्सर लोग जब जीवन में कष्ट आता है उससे सीख जाते हैं। हम कुछ ऐसे प्राणियों में से हैं जिन्होंने अपने से, अपने निकट से निकट व्यक्ति को जाते हुए देखा है, पर प्रेरणा नहीं ले पाए, कभी प्रेरणा नहीं ले पाए। महाराज जी कह रहे थे कि जब शमशान में जाते हैं किसी को लेकर के, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अच्छा ये शब्द अगर शादी में बोल दिया जाए ना, राम नाम सत्य है, तो जो बोलेगा ना उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। भाई इतना अच्छा माहौल है शादी का, तुम राम नाम सत्य बोल रहे हो, तो राम नाम सत्य है ऐसे बोलते हुए ले जा रहे थे। तो वहां पर जाकर सभी को वैराग्य चढ़ जाता है अक्सर, सभी फिर वहां पर, मैं महादेव जी से कहूँ यार यही जीवन है महादेव जी, बस यही, ये अंतिम है, बस यही आना है आखिर, सबको थोड़ी देर महादेव जी से बात करी, अरे यार ठीक है, उदास भी हुए थोड़े, अरे ब्रज चलेंगे यार, भजन करेंगे यार, भजन ही जीवन का सार है, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तज भाव न आना, ओहो हो तुम पुनि राम राम दिन राति, भजन करना चाहिए जीवन में। और ऐसे कह करके जैसे ही शमशान से निकले, हाँ नीतू आलू के पराठे बना लियो, मैं आ रहा हूँ, आज संडे, अरे गलत टाइम पे मर गए यार ये प्रभु जी, अच्छा नहीं हुआ, संडे के दिन नहीं मरना चाहिए था। और घर जाते सारा वैराग्य खत्म, तुम्हारी भाभी ने आलू के पराठे बना दिए, दही कहाँ है, दही भी खाएंगे, व्यक्ति चला गया, दही, सारी जो वैराग्य वो शमशान तक ही था, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद दवा के पेल रहा व्यक्ति, उसे लगता है कि ये अमर है, मैं अमर हूं, बाकी सब मरण धर्म शरीर लेकर के आए हैं, दूसरे ही मरते हैं, हम नहीं मरते हैं, हमारी भी बारी आएगी, पट खुलेंगे। ठाकुर जी कह रहे मौत की बात बहुत कर रहा, आज सुनूंगा तेरी मौत की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, ले राधा माधव सरकार की। सुबल दास जी महाराज ने अपनी माता जी की मृत्यु को निकट से देखा एकदम, और निकट से ही मृत्यु को देखते उनके हृदय में सच्चा वैराग्य जागृत हुआ। मन ही मन सोचने लगे, जिस शरीर की पुष्टि तुष्टि को मैंने जीवन का उद्देश्य मान रखा है वह एक धोखा है, आज नहीं तो कल इसे जाना पड़ेगा, अब मैं इस शरीर की सेवा ना करके प्रभु की सेवा में लगूंगा, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया और महाराज भजन के लिए निकल पड़े।
जैसे ही भजन के लिए निकले तो मन में आया एकांत में जाके भजन करूंगा। फिर उन्होंने सोचा किसी संत की राय लेनी चाहिए, क्योंकि भैया स्वतंत्रता से अगर भजन करते हैं, अगर स्वतंत्र होकर भजन करते हैं तो भटकने का चांस ज्यादा रहता है, मनमाना आचरण साधक को भटका ही देता है। तो सीधे सीधे एक संत के पास पहुंचे जिनका नाम था अनादि कृष्ण जी। ये जो अनादि कृष्ण दत्त जी थे, ये अपनी धर्म पत्नी के साथ बंगाल में ये गांव में रह करके भजन करते थे, जिस गांव के ये सुबलदास जी स्वयं थे उसी गांव में। अब जाकर के कहने लगे कि बाबा मुझे भजन करना है एकांत में। तो उन्होंने देखा नई नई उम्र है, 17 साल के वो थे, तो उन्होंने तत्काल बोला, जो अनुभवी महात्मा होता है ना वो तत्काल बता देता है कि बेटा नई नई उम्र है, एकांत में भजन करना घातक हो सकता है, क्योंकि एकांत में वही भजन कर सकता है जिसके जीवन का लक्ष्य एक कांत हो जाता है, एक श्री कृष्ण हो जाते हैं, तब जाकर वो भजन निपता है। अब उन्होंने कहा कि बेटा मेरे ऊपर एक कमरा खाली है, इसमें रहकर भजन कर तू, और अगर अभी जाएगा तो तेरे खाने कमाने की व्यवस्था है नहीं, हम यहाँ पे गृहस्थ में रहते हैं, हमारे पास व्यवस्था है, तेरे को एक टाइम का भोजन मिल जाया करेगा। अब वो ऊपर रह करके भजन करने लगे महाराज। अच्छा, अनादि कृष्ण दत्त जी जो थे वो चेक कर रहे थे कि वाकई में वैराग्य पक्का है या कच्चा है। तो जब ऐसा देखा तो वो 2 साल तक वो बालक महाराज बाहर नहीं निकलता था कुटिया से, निरंतर नाम जप में लगा रहता, निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता था। तो अनादि कृष्ण दत्त जी ने देखा यार वाकई में पक्का दृढ़ निश्चय वैराग्य है इसका। तो और जो उनकी पत्नी थी वो क्या करती थी, वो उन्हें पुत्र के समान मानती थी और बड़े लाड़ चाव से एक समय का भोजन देती थी बड़े प्रेम से। अब भैया वो भजन करने लगे, खूब भजन में रति होने लगी, नाम कीर्तन करने लगे, आनंद में रहने लगे महाराज। अब एक दिन उन्होंने कहा, अनादि कृष्ण जी ने कहा कि बेटा वाकई में तेरा वैराग्य पक्का है, कच्चे वैराग्य वाला व्यक्ति नहीं है तू, तेरे जैसे व्यक्ति भगवान को पाते हैं बहुत जल्दी, अब तेरा अगला स्टेप है तुझे किसी से दीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज किन से दीक्षा लूं, तो वहीं पर चैतन्य दास बाबा के एक शिष्य थे कृष्णदास बाबा, उनसे उन्होंने दीक्षा लेने का कहा कि उनसे जाकर के दीक्षा लो भजन की। तो जाकर के गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डोरी और कोपिन उनको दे दी, किसको, सुबलदास बाबा को। डोरी और कोपिन देने का अर्थ वो समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा डोरी और कोपिन ले और वृंदावन चला जा, वहां प्राण कृष्णदास बाबा मिलेंगे तुम्हें, उनसे वेश लेना, उनसे दीक्षा लेना। अब नहीं, वो पुराने वाले प्राण कृष्णदास। अब उन्होंने कहा ठीक है बाबा, वृंदावन के लिए चल दी। और जैसे ही वो कुटिया से निकले, मतलब वृंदावन पहुंचे, उधर उन्होंने कृष्णदास बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब आकर प्राण कृष्णदास बाबा के पास आए और उन्होंने कहा बाबा मेरी दीक्षा नहीं हुई। तो उन्होंने कहा बाबरे दीक्षा तो तेरी हो गई, जब कोई महात्मा अपना डोरी और कोपिन दे देता है ना तो समझ लो कि वो दीक्षा दे रहा है तुम्हें, कोपिन जो पहनते, डोरी और कोपिन दे देता है तो समझ लो दीक्षा हो गई तुम्हारी और तुम्हें वेश भी मिल गया। उन्होंने कहा दीक्षा तो हुई वेश नहीं मिला, कह रहे अरे महात्मा की डोरी कोपिन लेके आ रहे हो इसका मतलब वेश मिल गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, कह रहे उन्होंने शरीर भी त्याग दिया बेटा, करे शरीर छोड़ दिया, कह रहे हाँ। तब प्राण कृष्णदास बाबा ने कहा कि अब यहीं रहकर भजन कर, राधा कुंड चला जा। अब राधा कुंड गए महाराज। असल में वो प्राण कृष्णदास बाबा को ही अपना गुरु मानने लगे, उन्हीं से, क्योंकि उन्होंने ही बताया रहस्य डोरी और कोपिन का। अब वहीं रहकर राधा कुंड जाकर के भजन करने लगे। राधा कुंड और कृष्ण कुंड के पास एक मतलब टूटी फूटी कुटिया थी, उसमें रहकर के भजन करने लगे निरंतर। उसमें सांप भी रहते थे, उस समय जंगल हुआ करता था, ऐसी बसावट तो थी नहीं कि जाकर के अब तुम्हें तो वहां, अब अगर जाओ तो एडिडास का शोरूम मिल रहा है, कभी कौन सा शोरूम मिल रहा है आपको, वृंदावन में वृंदावन कम नजर आएगा अगर महात्माओं की दृष्टि आपके पास ना हो तो।
अगर महात्माओं से संतों से आपने वृंदावन के स्वरूप के बारे में नहीं सुना है तो आप वृंदावन में जाकर खो जाओगे और सोचोगे तो दिल्ली जैसा ही शहर है, दिल्ली जैसा ही शहर है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को पूज्य भैया ने कहा पहले वृंदावन का महात्मा सुनो, संतों का सेवन करो, तब वृंदावन का स्वरूप समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ से हर हफ्ते दिल्ली से लोग जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, इसमें भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन बाहर की बाहर होकर के आ जाते हैं। लेकिन जो साधक होता है ना वो पहले ही जाएगा संतों की समाधियां ढूंढेगा, संतों ने भजन कहाँ किया वो जगह ढूंढेगा, वेणु विनोद कुंज जाएगा, ऐसी जगहों पर जाएगा जहां साधकों ने भजन किया है। तो भैया उन्होंने वो कुटिया ढूंढी और कुटिया में रहकर भजन करने लगे, लगातार राधा कुंड पे 12 साल भजन किया, 12 साल भजन किया। और महाराज एक ही घर से मतलब एक बार भिक्षा लेते थे और लेने जाते तो जिस घर के सामने जाते उस घर पर 2-3 बार आवाज लगाते, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, इस तरीके से आवाज लगाते और उसके बाद 1 मिनट इंतजार कर देते, उसके बाद चल देते थे, अगर भिक्षा नहीं आती तो अगले घर पे। ऐसे भिक्षा लेना महाराज, 12 साल तक भजन किया। एक बार क्या हुआ, बड़ी गहरी बात है सुनिएगा, बहुत साधकों के लिए तो अमृतमय बात है। जब वो एक दिन एक क्या हुआ, राधा कुंड पे प्लेग की बीमारी फैली, और प्लेग की बीमारी जब फैली तो सब अपने अपने कुटियाएं छोड़ के भाग गए वहां से। भैया प्लेग की बीमारी ऐसे होती है सब में फैलती है, पर सुबलदास बाबा ने कहा मैं राधा कुंड छोड़कर नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो बहुत प्रयास किया सब बाबाओं ने, आसपास के बाबाओं ने कहा भैया किसी दूसरे गांव में जाकर भजन कर लो कुछ दिन, उसके बाद वापस आ जाना। तो सुबलदास बाबा ने पास में एक गांव था उसमें जाकर के वहां एक कुटिया ढूंढी और वहां रहकर भजन करने लगे। मधुकरी मांगने गए तो एक घर में गए तो वहां पर जाकर के जय श्री राधे, जय श्री राधे 2-3 बार बोला। उसके बाद क्या हुआ, उस घर में एक नई नवेली दुल्हन थी। उस दुल्हन ने क्या किया कि दरवाजा खोला और भीतर चली गई, कहा कि बाबा भिक्षा मिलेगी। अब वो अंदर चली गई तो बाबा सोच रहे भैया क्या करें, तो हो सकता है बाबा ने सोचा कि भैया हो सकता अंदर बुलाने के लिए फिर वहीं से भिक्षा दे देगी फिर हम चले आएंगे बाहर। बाबा भीतर गए और उस बहुरिया ने बाबा जैसे ही भीतर घुसे और गेट के कुंडी लगा दी, कुंडी लगा दी, बाबा भीतर बैठ गए सुबलदास बाबा जी। और जब कुंडी लगाई, बाबा तो अपने नाम जब में मस्त रहते थे, तब उन्होंने कुंडी लगाई ना, तब देखा उन्होंने कि इसने कुंडी क्यों लगा दी। और जैसे ही कुंडी लगाई उनके मन में बात आई कि हो सकता है ये कुछ गलत विचार रखती हो। तो जैसे ही उस बहुरिया ने देखा तो उसकी नजरों से पता कर लिया बाबा ने इसके विचार मेरे प्रति गलत हैं। बाबा के उस समय अच्छे खासे जवान थे उस समय, तो जैसे ही देखा तो बाबा के पता चल गया कि भैया ये मुझे किसी और दृष्टि से देख रही है। अब जैसे ही बाबा को ये पता चला तो बाबा रुदन करने लगे, वहां पर रोने लगे और कहने लगे भीतर ही भीतर शायद मेरे भजन में कुछ कमी रह गई जिससे किसी के मन में मेरे प्रति इस तरीके की भावना आई, वासनात्मक कुछ भाव उन्होंने मेरे प्रति किया, मेरे भजन में कुछ कमी रह गई है, मेरे भजन में कुछ कमी रह गई है इसलिए किसी के मन में ऐसा विचार आया है, अन्यथा कोई ऐसा कैसे सोच सकता है मेरे बारे में। और भीतर ही भीतर भगवान से प्रार्थना करने लगे, अपने आप को कोसने लगे और आंसू बहने लगे। महाराज इस दृश्य को देखकर वो जो बहुरिया थी उसके मन में अभी तक तो दुर्भावना आ रखी थी, और जैसे ही रोते हुए देखा तो वात्सल्य जागृत हो गया, वात्सल्य जागृत हो गया, अपने पुत्र के समान देखने लगी उसे, सुबलदास बाबा को पुत्र के समान, और जाकर के हाथ सिर पर हाथ फेरा, कहा बाबा तुझे चिंता करने की जरूरत ना है, तुझे तो राधा रानी की कृपा प्राप्त होएगी, तुझे तो राधा रानी की कृपा प्राप्त होएगी। इतना कहा और बाबा उठे, कुंडी खोली और झट से बाहर निकल गए महाराज, बाहर निकल गए कुटिया से।
और जाकर के महाराज उसी दिन वहां से उस गांव को छोड़ दिया और जाकर राधा कुंड पे दोबारा अपना निवास बनाया। उसके बाद लगातार महाराज 12 साल तक कुटिया से बाहर नहीं आए। उन्होंने सूर्य को देखा ही नहीं। जैसे बालकृष्णदास जी महाराज ने जब 300,000 नाम जप करने का नियम लिया था तो उन्होंने सूर्य नहीं देखा था। सिर्फ शाम को मधुकरी, जब सूर्यास्त हो जाता था मधुकरी के लिए जाते थे ब्रजवासियों के पास, फिर नाम जप पे लग जाते थे। ऐसे ही सुबलदास बाबा ने 12 साल तक भजन किया। अब भजन करते 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 उनका जो शरीर है धीरे धीरे उम्र ढलती है महाराज। अब भिक्षा के लिए कम जाते थे और लोगों से भी बहुत कम मिलते थे। कोई बड़े से बड़ा महात्मा आ जाए वो साफ मना कर देते थे, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, अपने आसन पे बैठना और निरंतर भजन करना, एक ही उनकी दिनचर्या थी। अब धीरे धीरे उन्होंने भजन में ऐसा प्रवेश हुआ। अच्छा, इनके ऊपर काका किनकी छाया थी, अपने प्रभु जगत बंधु जी महाराज। उस समय बंगाल में जगत बंधु जी महाराज बहुत बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए और नाम जाप संत हुए बहुत तगड़े। इनका भी जीवन चरित्र अद्भुत है महाराज। तो उनका प्रभाव था इनके जीवन पर, सुबलदास जी महाराज के ऊपर। इसलिए नाम जप में इतनी गहरी निष्ठा थी कि अपने आसन पर बैठकर नाम जप किया करते थे निरंतर। 12 साल तक बाहर नहीं आए और उसके बाद रात दिन कुटिया में आसन पर रहकर भजन करते। बाबा को किसी से मिलना जुलना ज्यादा पसंद होता नहीं था। फिर लगातार 24 साल भजन किया, मतलब 24 साल कुटिया से बाहर नहीं आए। धीरे 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 शरीर क्षीण होता गया। अब प्रसाद लेने के लिए भी, मतलब भिक्षा के लिए भी नहीं जा पाते थे। हरि बोल महाराज, पूज्य भैया आ गए, स्पेस छोड़ो। पूज्य सुबलदास बाबा जी के चरित्र में, बाबा के संबंध में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे मौन रहते और दर्शन किसी को नहीं देते। साधारण रूप से यह बात ठीक थी, पर ऐसा नहीं कि वे बिल्कुल किसी से मिलते ही न थे। जब कोई अनुरागी महात्मा या भक्त आ जाते तो वे उनसे जी खोलकर मिलते और बातें करते। नवदीप के श्री कानुप्रिय गोस्वामी, गोवर्धन के श्री अद्वैत दास बाबा जी और वृंदावन के श्री बालकृष्ण दास बाबा जी महाराज कुछ ऐसे महात्माओं में से थे जो अक्सर उनके पास जाया करते और जिनके साथ लीला कथा प्रसंग, गान और हास्य विनोद में बाबा घंटों व्यतीत कर दिया करते थे। बाबा ने लगातार 24 वर्ष तक उस कुटिया के भीतर अकेले रहकर भजन किया। इस बीच सूर्य का प्रकाश उन्होंने कभी देखा या नहीं कहना कठिन है। साधारण मनुष्य इस प्रकार के एकांतवास को कारावास समझे तो गलत न होगा। स्वेच्छा से इस प्रकार के लंबे एकांतवास में वही रह सकता है जिसे कोई विशेष आंतरिक उपलब्धि हो। बाबा की आंतरिक उपलब्धि का आभास तो दो एक घटनाओं से मिलता है। एक बार जय निताई दास, जो इनके शिष्य थे, रात 3 बजे स्वप्न देखा कि बाबा के शरीर से एक भयंकर सर्प लिपटा है और उन्हें डस रहा है। यह देख वे चीख पड़े, उनकी नींद भंग हो गई। बाबा के अनिष्ट की आशंका से चिंतित हो वे भागकर उनकी कुटिया पर गए। टॉर्च के सहारे खिड़की में से झांककर देखा तो बाबा निश्चेष्ट बैठे हैं। उनके नेत्रों से अजस्त्र अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने राधे राधे कहकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, पर वे सुधि में नहीं थे। जय निताई दास बाबा किम कर्तव्य विमूढ़ जैसे खड़े रोते रहे। 1.5 घंटे बाद सुबलदास बाबा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। तब उनकी दृष्टि रोते हुए जय निताई दास पर पड़ी। जय निताई दास ने बाहर से ही स्वप्न की बात कही। बाबा ने हाथ हिलाकर चले जाने का संकेत किया। उनका संकेत पाकर जय निताई दास समझ गए कि बाबा का कोई अनिष्ट नहीं हुआ है। वे प्रसन्न मन अपनी कुटिया पर लौट आए। दूसरे दिन संध्या समय उन्हें बाबा के दर्शन का अवसर मिला। तब बाबा ने कहा, तुमने जो स्वप्न में देखा था वह ठीक था।
मुझसे सेवा में त्रुटि हो गई थी। प्रिया प्रियतम का लीला कौतुक देख मैं इतना मुग्ध हो गया कि मेरे हाथ से सेवा के इत्र की शीशी गिर गई। सेवा से वंचित होने के दुख के कारण मेरी लीला स्फूर्ति बंद हो गई। विरह सर्प के दशने से मैं मृत प्राय हो गया। तब करुणामयी स्वामिनी ने प्रकट होकर सांत्वना दी और मेरी प्राण रक्षा की। फतेहपुर सीकरी के श्री जानकी प्रसाद रईस बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक बार उनके साथ रेलवे के चीफ इंजीनियर और 3-4 युवतियां आई। सुंदर वेशभूषा में उन युवतियों को देख बाबा एकदम अधीर हो गए। उन्होंने लंबी हुंकार भरी और उनका शरीर केले के वृक्ष के समान कांपने लगा। जय निताई दास ने उन्हें कसकर जकड़ लिया, नहीं तो वे भूमि पर लोटपोट होने लगते। इंजीनियर साहब को लगा कि बाबा पर भूत आ गया है। जानकी प्रसाद को उन्हें यह समझाने में कठिनाई हुई कि ऐसा किसी अलौकिक भाव के कारण हुआ है। उन लोगों के चले जाने के बाद बाबा प्रकृतिस्थित हुए। जय निताई दास ने कौतुकवश भावाविष्ट होने का कारण पूछा तो वे बोले, उन युवतियों को देखकर मुझे राधा रानी की सखियां और मंजरियों का भाव आ गया था। सुबलदास बाबा एक बार बंगाल के सुप्रतिष्ठित पंडित परम भागवत श्री आनंद गोपाल प्रभु अक्सर वृंदावन आकर अपने कथामृत द्वारा महात्माओं की सेवा किया करते थे। महात्मा उनकी कथा के लिए लालायित रहते और उनके आने की बाट जोहा करते। सुबलदास बाबा तो कुटिया से बाहर निकलते ही न थे, वे कथा में भी कभी नहीं गए। पर एक बार प्राण गोपाल प्रभु के विशेष आग्रह की अवहेलना न कर सकने के कारण उन्हें कथा में जाना पड़ा। एक मधुर लीला प्रसंग को सुनते सुनते उन्हें उस लीला की साक्षात स्फूर्ति होने लगी और वे मूर्छित होकर भूमि पर लौट गए। लोगों को कुटिया तक कंधों पर लिटाकर उन्हें लाना पड़ा। सुबलदास बाबा कभी बीमार नहीं पड़े। सन 1962 ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को प्रातः 4 बजे कुंज भंग लीला के समय साधारण रूप से स्वस्थ अवस्था में ही वे धाम में पधारे। धाम पधारने से पहले उन्होंने जय निताई दास बाबा को उपदेश करते हुए कहा, आसन कभी न छोड़ना। जो व्यक्ति आसन सिद्ध कर लेता है उसकी मंत्र सिद्धि में देर नहीं लगती। मन न लगे तो भी आसन नहीं छोड़ना चाहिए। एक आसन पर भजन करते करते अंत में मन अपने आप लगने लगता है। बाबा अपनी कुछ रचनाओं की हस्तलिपियाँ छोड़ गए हैं। उनके नाम हैं स्वप्न विलासामृत, अष्टकाल प्रार्थनामृत तरंगिणी। जय श्री राधे।